अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। 17,000 कैदियों को छोड़ने पर महाराष्ट्र सरकार की भूमिका पर उठे सवाल। कानूनविदों ने पूछा, न अदालत न सुनवाई, फिर कैसे हो रही रिहाई। मुंबई की आर्थर रोड जेल में 200 कैदियों को कोरोना क्या हो गया। महाराष्ट्र सरकार इतनी डर गई कि राज्य के 17,000 कैदियों को छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। गृह मंत्री अनिल देशमुख की माने तो ये ऐसे कैदी हैं जिन्होंने 7 साल तक या उससे अधिक वर्षों की सजा काट ली है। इनमें 5,000 कैदी वे हैं जिनका ट्रायल चल रहा है। हालांकि सरकार के इस फैसले पर बड़े सवाल भी खड़े होने लगे हैं। सरकार चुप है, लेकिन कानूनविद सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बिना अदालत की सुनवाई सजा काट रहे अपराधियों की रिहाई भला कैसे हो रही है। जब आपको मालूम है कोरोना है, कोरोना का चल रहा है, संकट से हम जूझ रहे हैं, तो कैसे कोरोना प्रवेश किया उसमें सरकार की जिम्मेदारी है। जेल के अंदर कितने टाइट थे, जेल के अंदर कैसी व्यवस्था की थी आपने। जेल में भी मेडिकल ऑफिसर होता है, वहां पे डॉक्टर होते हैं, तो अगर कैदी जा रहा था उसकी जांच क्यों नहीं की गई, कैसे कोरोना वहां प्रवेश किया, तो उसको देखना चाहिए था। ये फैसला जो भी सरकार का है, मीडिया की जिम्मेदारी है। अगर विपक्ष भी है नहीं ले पा रहे हैं, विपक्ष होती तो इस पे चर्चा होती, आप कैसे छोड़ रहे हैं, तो न्यूज़पेपर भी प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, क्या लिखा है क्या नहीं है। जब तक सरकार के जो लिखित प्रावधान के तहत जैसे छोड़ा गया है वो नहीं मिलता है, तब तक हम इस पे बोलने में असमर्थ हैं। अगर ऐसे छोड़ा गया है, प्रोसीडिंग नहीं पूरी की गई है, क्या भाई 7 साल की सजा थी, इतना काट चुके, इनको छोड़ देते हैं, तो वह सजा माफ की कर दी गई, तो गलत मैसेज जाएगा जनता के सामने। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, वो एक अपराधी है, अपराधी को अपराध कर पूरी सजा भुगतनी चाहिए, उसके बाद छोड़ा जाना चाहिए। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इससे जेलों में खतरनाक ट्रेंड पैदा होगा। कोरोना की खबरें फैलाकर कैदियों को छुड़ाने का हथकंडा अपनाया जाएगा, जो सामान्य कैदियों के मन में नफरत पैदा करेगी। हाईकोर्ट के वकील एडवोकेट दिनेश गुप्ता ने कहा कि जरूरी तो ये था कि 3 से 6 महीने की छोटी सजा वाले या ऐसे कैदियों को छोड़ा जाना चाहिए था जिनकी बेल मंजूर होने के बाद भी बॉन्ड भरने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसका खुलासा भी करना चाहिए। जैसे फैसला जो सरकार ने लिया है, जुडिशरी का फैसला सरकार नहीं ले सकते, सजा माफ कर सकते गवर्नर को पावर है, वो भी रिपोर्ट दी जानी चाहिए, रिपोर्ट के साथ देती है। और जहां तक इनको कोरोना हुआ, जो मैंने सुना है, अभी तो पूरी बातें बल्द करके नहीं आई है, इसमें ये है कि ऐसे ऐसे कैदियों को छोड़ा गया है जो 7 साल 8 साल से सजा भुगत रहे हैं, जिनको 10-10 साल की सजा हुई है, तो कम से कम उनको ऐसे कैदी को तो नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और जो 6 महीने 8 महीने जो ट्रायल पर हैं, उनको आप छोड़ देते, मजिस्ट्रेट उनको जाता, मजिस्ट्रेट का प्रोसीजर एक बता रहा हूं मैं आपको, प्रोसीजर क्या होता है कि हाँ भाई कोर्ट में नहीं आ सकते हैं, तो मजिस्ट्रेट वहां पे जा करके एक बॉन्ड भराता है, ये करता है जो लीगल कार्रवाई होती है वो पूरा करके, और वहां से उनको जो है आपको छोड़ देता है कि हाँ भाई आप इतने दिन के लिए पैरोल पे छोड़े जा रहे हो, या आप इतने दिन के लिए जा रहे हो, इतने दिन बाद आके फिर आप अटेंडेंस दे हुए कि अब ये सरकार क्लियर करे, और मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि संवाद में आपने माफ किया है कि कितने दिन के लिए छोड़ा है आपने, इससे बचाव करने की। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।